हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए पनीर के पकौड़े की रेसिपी। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए, अगर आप पकौड़े बनाकर उनको खिलाते हैं तो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि हमारे घर में जब भी मेहमान आते हैं मैं ये उनको ज़रूर खिलाती हूँ, उनको बहुत ही पसंद आता है। रेसिपी तो ज़रूर पूछते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप के आसपास बेसन लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा, इससे क्या होगा कि जो हमारे घोल का बाइंडिंग है बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे घोल को बांध के रखेगा और लेयर जो है अच्छे से आएगी पनीर के ऊपर। थोड़ा सा डाल देंगे हम जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, इसको हम हाथों के बीच मसल के डालेंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा। जीरा जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर अजवाइन ज़रूर डालें। यहीं पर डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने तीखा के हिसाब से। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया यहीं पर डाल देंगे हम। 2 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट एक बार मिला लेंगे। लहसुन जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये भी डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइन डालकर घोल बनाएंगे और कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इतने मसाले से। थोड़ा थोड़ा फाइन डालकर हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। आपका घोल जो है ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मोटा घोल होना चाहिए। ये भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है घोल का, जो आप बनाए थे। यहाँ पे चम्मच लेकर टेस्ट कर ले, चम्मच पे एक अच्छी सी कोटिंग आनी चाहिए, मतलब हमारा घोल जो है परफेक्ट है। अब इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए साइड में, तब तक हम पनीर कट कर लेंगे। पनीर अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसे आपको डिजाइन पसंद हो। मैं पतले स्लाइसिस में लंबे लंबे कट करूँगी, अच्छे लगते हैं देख करके। आराम से इसको हम पतले पतले स्लाइसिस में कट करेंगे। पनीर बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, तो आराम से काटें। इस तरह के पीसेस काट कर हम तैयार कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप अपने हिसाब से पीसेस कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इसी तरह से हम सारे पनीर को कट कर लेंगे, पर ज़्यादा पतला ना करें, टूटने लगता है। ऐसे ही मैंने सारे पनीर को काट लिया है। यहाँ मैंने 500 ग्राम पनीर लिया था, जिसमें इतना पनीर बच गया है। मैंने सिर्फ 300 ग्राम के आसपास पनीर इस्तेमाल किया है। इतना पकौड़े काफ़ी मेरे फैमिली के लिए, तो अपने हिसाब से बनाए। अब इसको साइड में रखते हैं, अपने हम चटनी बनाकर तैयार करेंगे पुदीना वाली। यहाँ मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया। हरा धनिया का आधा मैंने पुदीना लिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा। यहीं पे डाल देंगे हम 6 से 7 लहसुन के कलियाँ। ये लहसुन जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। 2 इंच के आसपास मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, वो भी डाल देंगे। 4 यह मैंने लिया है हरी मिर्च, इसे तोड़कर डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं थोड़ा और मिर्ची डाल दें। अब तोड़ कर डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। ये भी डाल देंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खट्टा सा। निचोड़ देंगे नींबू को। अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। रस में डाल देंगे हम बर्फ, चटनी जो है काला नहीं पड़ेगा, हरा ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी डालकर थोड़ा सा पीस लिया है। चटनी देखिए परफेक्ट हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा घोल भी जो है यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुका है, घोल भी तैयार हो चुका है और तेल भी हमारा गर्म है। मैंने पहले ही तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब अपने पनीर को हम डालेंगे अपने बैटर में और डिप करेंगे।
ड्रिप करके डालेंगे अपने हम तेल में। तो तेल हमारा गरम है, वैसे ही एक एक करके हम अपने पकौड़े को हम डाल देंगे। आपका फ्लेम जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे रखे, या तो पूरा लो रखे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना रखे। इसी सारे पकौड़े हम डालते जाएंगे। आपकी कढ़ाई में जितने स्पेस है आप डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम ही डालूंगी, तलने में आसानी होता है, बकते नहीं है पकौड़े। इसे एक एक करके हम सारे पकौड़े डाल देंगे। देखिए आप, मैंने डाल दिया है, और चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको हम हल्के हाथ से हिला देंगे ताकि पकौड़े चिपके ना। इसका कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं पकौड़े हमारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। उनको हम निकाल लेंगे तेल से, एक्स्ट्रा तेल निचोड़ते हुए। यहाँ मैंने सारे पकौड़ों को निकाल लिया है। ऐसे ही सेम प्रोसेस से अपना हम दूसरा बैच भी तैयार करेंगे। तेल हमारा गर्म ही है, ऐसे ही अपना हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। घोल में अपने हम पनीर को डिप करेंगे, फिर से तेल में डालते जाएंगे। मैंने और भी पकौड़े की रेसिपी अपने चैनल पर दी हुई है, तब जाके देख सकते हैं। शिमला मिर्च, पत्ते गोभी, फूल गोभी, बहुत सारी पकौड़े की रेसिपी मैंने दी हुई है, जैसे कि लौकी, आप जाके देख सकते हैं, आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये अपने दूसरा बैच भी डाल दिया है, अब इसको क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। अगर आपको और क्रिस्पी खाना पसंद है तो इसे लो फ्लेम पे फ्राई करें। तो देखिए आप, हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। यह मैंने सारे पकौड़ों को निकाल लिया है, इसमें एक्स्ट्रा तेल निचोड़ते हुए। तो तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी पनीर के पकौड़े, मैंने पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में घंटी का बटन दबाते जाएँ ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।